हेलो एवरीवन, पिछले टॉपिक को कंटिन्यू करते हम लोग फिर से पढ़ेंगे होमोजीनस और हेटरोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर में क्या आता है? ट्रू सॉल्यूशन आता है। और हेटरोजीनस मिक्सचर में क्या आता है? कोलॉइड्स या कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन, दो आते हैं हेटरोजीनस मिक्सचर में। और होमोजीनस में सिर्फ एक आता है, ट्रू सॉल्यूशन। तो सबसे पहले ट्रू सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही स्मॉल होते हैं, इनको नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता है। इनका जो डायमीटर होता है लेस देन 1 नैनोमीटर, एनएम जो लिखा है ये नैनोमीटर है, यूनिट है डायमीटर नापने की। तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं लेस देन 1 नैनोमीटर होते हैं। इसके अलावा जो सॉल्यूशन होता है, ट्रू सॉल्यूशन होता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है। इसमें हम लोग किसी तरह का पार्टिकल्स नहीं देख सकते हैं, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता, आर पार देख सकते हैं। और ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें फिल्ट्रेशन द्वारा हम सेपरेट कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन के द्वारा मतलब फिल्टर पेपर लगा करके आप इसके पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स सेपरेट नहीं किया जा सकता है फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के द्वारा। और इसके अलावा जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट के बीम को स्कैटर नहीं करते हैं, यानी कि ट्रू सॉल्यूशन से अगर हम लोग लाइट को पास करें तो इस जो लाइट होगा वो स्कैटर नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं। तो ये ट्रू सॉल्यूशन हो गया। अब है कोलॉइड्स। कोलॉइड्स के भी पार्टिकल बहुत ही स्मॉल होते हैं, लेकिन इसके जो पार्टिकल्स होते हैं थोड़े से बड़े होते हैं ट्रू सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल से कोलॉइड के पार्टिकल्स थोड़े से बड़े होते हैं, 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में इनकी साइज होती है। ट्रू सॉल्यूशन में क्या था? 1 नैनोमीटर से कम था, लेकिन कोलॉइड्स में क्या है? 1 से लेकर के 100 नैनोमीटर के बीच में इनकी साइज होती है। और ये ट्रांसलूसेंट होते हैं। ट्रांसलूसेंट मतलब क्या होता है? धुंधला कह सकते हैं या दूधिया कह सकते हैं, ना क्लियर दिखाई देगा और ऐसा भी नहीं होगा कि बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, जैसे कि बटर पेपर होता है, थोड़ा थोड़ा विजिबल होगा। इनके भी पार्टिकल्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से। इसके अलावा कोलॉइडल पार्टिकल जो होते हैं बीम, लाइट के बीम को स्कैटर करते हैं। अगर इस सॉल्यूशन से हम लोग लाइट के बीम को पास करें तो क्या होगा? वो लाइट क्या होगी? सभी डायरेक्शंस में स्कैटर हो जाएगी, फैल जाएगी। एग्जांपल है इसका मिल्क। तीसरा सॉल्यूशन है एक तरह का, इसको बोलते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन के पार्टिकल सबसे बड़े होते हैं, 100 नैनोमीटर से ज़्यादा बड़े इसके पार्टिकल्स होते हैं। और इसके पार्टिकल्स को सेपरेट किया जा सकता है फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से, ठीक है। तो सस्पेंशन के पार्टिकल्स को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से। और ये पार्टिकल्स क्या करते हैं? लाइट के बीम को स्कैटर करते हैं, यानी कि अगर हम इससे लाइट पास करें तो वो लाइट सभी डायरेक्शंस में फैल जाएगी। तो देखिए, मैंने तीनों के पार्टिकल्स बनाए। ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल सबसे छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर से भी कम होते हैं। कोलॉइड्स के पार्टिकल थोड़े से बड़े होते हैं, 1 से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच में। और सस्पेंशन के पार्टिकल सबसे बड़े होते हैं, 100 नैनोमीटर से ज़्यादा बड़े होते हैं। तो ये कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन, ये हेटरोजीनस मिक्सचर है, और होमोजीनस में ट्रू सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आगे एक टॉपिक और पढ़ते हैं जिसका नाम है टिंडल इफेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? जब भी किसी लाइट को किसी मीडियम से पास किया जाए, ठीक है, जब भी किसी लाइट को किसी मीडियम से पास करते हैं, मीडियम का मतलब या तो ट्रू सॉल्यूशन या फिर कोलॉइडल सॉल्यूशन और या फिर सस्पेंशन, इन तीनों भी सॉल्यूशन में से किसी में से भी अगर लाइट को पास करते हैं तो अगर लाइट जो है स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है, चारों दिशाओं में फैल जाती है, तो इस प्रोसेस को हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो टिंडल इफेक्ट जो होता है सिर्फ कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में होता है, ट्रू सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट को नहीं देखा जा सकता है। तो
तो देखिए, एक टॉर्च है, इसे लाइट मैंने जलाया और एक बीकर में सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन लिया है, दूसरे में कोलाइडल सॉल्यूशन लिया है। और जब लाइट टॉर्च हम लोग लिट करेंगे, जलाएंगे, तो क्या होगा, सॉल्यूशन में किसी भी तरह के पार्टिकल्स नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या है, हम लोग को पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं। पार्टिकल्स क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इसके पार्टिकल्स थोड़े से बड़े होते हैं और वो लाइट को स्कैटर कर रहे हैं। तो इस इफेक्ट को हम लोग कहेंगे टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट को कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में देखा जा सकता है, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन में नहीं देखा जा सकता है। तो ये आज हम लोग का टॉपिक था। कौन कौन से टॉपिक हम लोगों ने पढ़े, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन, और इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था टिंडल इफेक्ट। तो आगे की वीडियो में, अगले वीडियो में इसके आगे के टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा। टिल देन टेक केयर।